वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ के उधेड़ के चला गया कि आपने जोड़ी तोड़ दी है बाबर की और मेरी। तो मेरा ये ख्याल है कि सलमान इकबाल साहब ने ये काम नहीं किया होगा। अब उसके बाद मैं आता हूँ नंबर दो पर। लाहौर के अगर तीन से चार बड़े आइकॉन्स हैं शोबिस के, तो अली जफर उनमें से एक है, तो ये शायद इसलिए भी नहीं हुआ होगा। तो फिर अली जफर से इतना बड़ा असाइनमेंट कैसे लिया जा सकता है? जब तक उस पर कोई जुर्म साबित नहीं होता तब तक तो उसका राइट है ना। हम हर बार वो अजीब फजूल से, और सरवनी भी हमारी कितनी फारिग होती है। अच्छा। आप भी देखें हम... अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं, तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अली जफर का मीशा शफी स्कैंडल ने सालों बाद भी पीछा न छोड़ा और वो एक बहुत बड़े क्रेडिट से महरूम हो गए, ये क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा देंगे, ये क्या हुआ? अच्छा, मेरा तो ये ख्याल था कि एक बार फिर घंटी बजे शुक्रिया करेंगे, लेकिन सीटी बजेगी, खेल जमेगा, रंग जमेगा, ताली बजेगी, लेकिन नहीं हुआ। एक सॉन्ग था पीएसएल का जो अली जफर ने गाया था, हर एक की जबान पे चढ़ गया और शानदार, और उससे अच्छा पीएसएल सॉन्ग जो है वो नहीं आया था, अभी तक नहीं आया वैसे, ठीक है ना। तो अली जफर ने भी दूसरी बार में जो बनाया था सब लोगों को लेकर मुकाबला नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया था, लेकिन खैर वो महदूद वसाइल और अली जफर ने लोगों की वीडियोस को शामिल करके काम अच्छा था, बहुत से कम वक्त में किया, बहुत से पीएसएल सॉन्ग्स से वो भी अच्छा था। एक वो जिसमें नसीबो लाल थी वो जरा कम बुरा था, आज देखेगा ग्रूव मेरा, तो वो फिर भी ठीक था, लेकिन पीएसएल वो गाना नहीं ले सका दोबारा जो अली जफर ने करके दिया था। तो हमारा ये ख्याल था कि अब की बार जो है अगर अली जफर को ये जिम्मेदारी फिर दे दी गई है और ऑफिशियली हुआ तो कुछ जबरदस्त चीज हमें मिलेगी, लेकिन ये नहीं हुआ है। अली जफर भी खुद इसके बाद जो है वो जरा दिल टूटा अली जफर का, क्या कहते हैं अली जफर? अच्छा, वो ये कहते हैं कि दो महीने लगाकर, ये इंडिपेंडेंट उर्दू की स्टोरी है, दो महीने लगाकर पीएसएल तराना बनाया पीसीबी ने, माजरा अच्छा बन चुका बिल्कुल। और अली जफर के मैनेजर के मुताबिक अली जफर का ये कहना है कि मुबैना तौर पर पीसीबी को किसी एक पीएसएल फ्रेंचाइज की जानिब से तहफुजात का सामना था, जिसकी वजह से अली जफर को पीएसएल के तराने के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। यानी कि जो टीम्स हैं इनमें से कोई एक टीम है जिसको ये खदशा था और उन्होंने फिर डिस्कस किया दूसरी टीम के साथ कि अली जफर नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं अगर इन टीम्स को एक एक करके देखना शुरू करूँ ना, मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान नहीं, मैं कराची किंग्स से शुरू करता हूँ, उसके मालिक हैं एआरवाई के मालिक सलमान इकबाल साहब। अली जफर पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, मीशा शफी से तो कहीं बड़े स्टार हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सलमान इकबाल साहब ने ये काम नहीं किया होगा। अब उसके बाद मैं आता हूँ नंबर दो पर, ये हैं जावेद अफरीदी, लाहौर जावेद अफरीदी, पिशावर जलमी वाले, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने किया होगा नहीं किया होगा। नदीम उमर, क्वेटा ग्लेडिएटर्स, नॉट श्योर, हो भी सकता है। आतिफ साहब जो वो हैं लाहौर थंडर्स के मालिक, ठीक है ना। तो अगर मैं राणा साहब की बात करूं तो मुझे राणा साहब के केस में, राणा फवाद साहब, तो मुझे राणा फवाद साहब के केस में भी लगता है कि ये नहीं हुआ होगा। लाहौर अली जफर लाहौर का, मतलब कोई लाहौर के अगर तीन से चार बड़े आइकॉन्स हैं शोबिस के, तो अली जफर उनमें से एक है, तो ये शायद इसलिए भी नहीं हुआ होगा। तो अब कौन सी टीम ने किया होगा कहना मुश्किल है, मगर बहरहाल ये खबर यही है कि ये हो चुका है टीम के, सुल्तान में भी एक टीम की डिमांड ऐसा किया गया होगा। देखिए टीम की डिमांड मानी क्यों गई होगी, इसलिए कि हमारे यहाँ ये जो मी टू और हैरेसमेंट वाला इशू है ये इस एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड का या शोबिज वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें प्रोग्रेसिव सोच वाले, मॉडर्न अप्रोच वाले, विमेन राइट्स की अप्रोच वाले, लेफ्ट की सोच वाले, लिबरल सोच वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये कि क्या अली जफर ने हरेस किया था या हरेसमेंट हो गई थी? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी प्रूवन नहीं है ना। तो क्या अली जफर से उनका एक राइट ले लिया जाएगा, एक दूसरा क्या पीएसएल को एक अच्छे गाने से महरूम कर दिया जाएगा, दो तीसरा अली जफर को बगैर कुछ किए या बगैर कुछ साबित हुए सजा मिल जाएगी, तीन। तो ये गलत है ना, मीशा शफी को क्या काम मिलना बंद हो गया? नहीं, तो फिर अली जफर से इतना बड़ा असाइनमेंट कैसे लिया जा सकता है? जब तक उस पर कोई जुर्म साबित नहीं होता तब तक तो उसका राइट है ना, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, बिल्कुल। और जब पीसीबी ने खुद कर दिया और अली जफर ने शायद
एक नहीं एक से जायद गाने बना कर दिए कि इनमें से एक ले लें। मैनेजर से रابطہ करते हुए इस वजह की जानने की कोशिश की जिस पर उनके मैनेजर ने इस मामले पर अली जफर का बयान शेयर किया। पाकिस्तानी गुलकार अली जफर ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि इस साल पीएसएल तराना बनाने के लिए पीसीबी ने उनसे बाज़ाब्ता तौर पर खुद रابطہ किया था। उन्होंने कहा कि वो 2 महीने तक अपने जाती खर्च पर मौसीकारों और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की खिदमत करने के बाद पीसीबी के लिए तराने के 3 मुख्तलिफ वर्जन लेकर आए और उसके बाद गुलकार ने यह भी कहा कि उनमें से एक को हतमी शक्ल देने के बाद रिलीज की तैयारी की जा रही थी। जब उन्हें यह बताया गया कि पीसीबी कुछ वजूहात की वजह से उनके तराने के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए पीसीबी ने फाइनल कर लिया था, पीसीबी ने भी और पीएसएल ने भी क्या किया, इंतहाई फजूल भोंडे आई एम अ बैग के रहा था, आई एम अ बैग वाला गाना हो या दीगर हो, मुख्तलिफ बीच में जो चीजें आई हैं, एक आसिम अजहर वाला था और उसमें कुछ और लोग थे, अली अजमत वगैरह भी थे, फवाद खान साहब वाला था, तो ये सारे के सारे मुझे उनमें से कोई भी या मुझे क्या एक आम आदमी को बिल्कुल भी उस लेवल का नहीं लगा काम, और ये लोगों ने खुद बताया। तो बात यह कि पीसीबी को लोगों के लिए काम करना है ना, अपने लिए या कुछ आर्टिस्टों के लिए तो काम नहीं करना, पाकिस्तान के लिए काम करना, तो एक अच्छी चीज दें, एक बात। दूसरा, हमारा मुकाबला किससे है, हमारा मुकाबला आईपीएल से है जी। तो आईपीएल की क्वालिटी, आईपीएल का ग्रैंडर देखें और हमारी हरकतें देखें। हम हर बार कोई अजीब फजूल से, और सेरेमनी भी हमारी कितनी फारिग होती है, आप भी देखें हम अपने यहाँ कितने मैचेस कर पाते हैं, सेरेमनी बाहर कर लेते हैं, ये तमाम चीजें भी हमने की हैं। अब जाके हम अल्लाह अल्लाह करके अपने यहाँ जो मैचेस करवाते हैं उनमें जो लोगों की जलीलो खार करते हैं, हम हर शहर में जहां मैचेस होते हैं वो लोग वाकईतन गालियां दे रहे होते हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी के नाम पर हम चीजें करते हैं वो लोग भी गालियां देते हैं, मैनेजमेंट बहुत गंदी हो जाती है, और उसके बाद लोग ये कहते हैं कि अल्लाह करे पीएसएल के मैचेस हमारे शहरों में ना हो, खासतौर पर कराची में ऐसा। देखिए अगर कोई शख्स अपने घर रूटीन में पहुंचता है 45 मिनट में और पीएसएल के दिनों में वो अपने घर पहुंचता है 4-4 घंटे में, तो उसे कितनी रगतों का सवाब है भाई। लेकिन ये एक फेस्टिविटी तो है ना, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई और उसके बाद हमें कुछ अच्छे से इसको मैनेज करना चाहिए था। 3 बार इन मैचेस में 4-4 घंटे के लिए फंसे, मैं आपसे पूछूंगा ये फेस्टिविटी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के लिए, देखने वालों के लिए, कि वो अपने मुल्क पर, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन फिर जो जैसे दुबई ने किया ना, स्टेडियम बड़ा शानदार सा बना के ले गए बाहर और वहां ले आके करवा दिया। एक तो देखिए ये हमारा भी मौजू नहीं है, लेकिन एक तो हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, लोगों को अच्छी इंजॉयमेंट भी नहीं दे रहे। फिर क्या हो रहा है इस वक्त, जब इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है उससे पहले ज़का अशरफ का इस्तीफा आ रहा है जी, ठीक है, हमने मजाक बनाया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जब इख्तियारात ही ना हो तो क्या फायदा, हमने मजाक बनाया। हमारा एक ऑडियो आई थी जिसमें बाबर आजम साहब को कैसे हटाना है, सीरियसली हमारा पीएसएल से पहले जो कप्तान है T20 का, जो पीएसएल का डिफेंडिंग चैंपियन है, उसको उसकी परफॉर्मेंस देखें, टीम की परफॉर्मेंस देखें और इख्तिलाफ की नौयत देखें। ये देखें वाइट वॉश होकर आए हम न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड में तकरीबन होने वाले हैं, ठीक है। तो हम न्यूजीलैंड में बैठ के वो शख्स जो जिसको आप देखते हैं कि वो बड़ी अच्छी बातें करता है और उसकी इस्लामिक वीडियोज आती हैं जिस क्रिकेटर की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ के उधेड़ के चला गया कि आपने जोड़ी तोड़ दी है बाबर की और मेरी, और बाबर बड़े दिल का, बाबर ने बोला नहीं है, ये हम इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कर रहे हैं। वसीम अकरम साहब भी ये कह रहे हैं, ये काम नहीं होता भाई, ये नहीं होता है, जिस तरह के मजाक हमने बनाए हुए हैं इन हालात में। हम पीसीएल मतलब आप जब जाते हैं ना इतने बड़े इवेंट में तो पूरा मुल्क एंटर होता है इसमें, और आप बड़े गुड नोट पे बड़ी एनर्जी के साथ एंटर होते हैं। उससे पहले क्या हो रहा है, रिजवान आपका विकेट कीपर लीडिंग T20 बैट्समैन, बाबर आपका लीडिंग T20 बैट्समैन, आपका एक फॉर्मेट का कैप्टन, ठीक है, वो नाराज है, आपका पीसीबी का चेयरमैन इस्तीफा देके जा रहा है, आपके सॉन्ग के सिलसिले में कंट्रोवर्सी आ रही है, आपके यहां उससे पहले खबरें आ रही है कि अब तक की पीएसएल में कितनी बेकायदगियां हुई हैं, कितनी बेजाबतगियां हुई हैं, कितने घपले हुए हैं, हम इस तरह से इतने बड़े इवेंट में एंटर होने जा रहे हैं। बहरहाल अली जफर की जानिब वापस आते हैं, और ये खबर है डॉन अखबार की, उन्होंने कहा कि इस मुबैना पीएसएल फ्रेंचाइज का मौकिफ था
कि अली जफर माजी में अपनी साथी गुलूकारा मीशा शफी के साथ कानूनी चाराजोई की वजह से मुतनाज़े खबरों में रह चुके हैं, तो उनका गाना अवाम और पीएसएल के इमेज को खराब कर सकता है। मेहरबानी इनकी, इन्होंने कानूनी चाराजोई तक रहने दिया, वरना ये जिनसी हिरासा नहीं लिख सकते थे, कहीं तक जा सकते थे। और खबर के मुताबिक फ्रेंचाइजेज की अक्सरियत पीएसएल 9 के तराने के लिए इब्तदाई तौर पर अली जफर की खिदमात हासिल करने के फैसले में शामिल थी, लेकिन आखिर में एक फ्रेंचाइज के दबाव के सामने पीसीबी को यह फैसला बदलना पड़ा। पाकिस्तानी गुलूकार अली जफर इससे पहले पीएसएल के पहले 3 एडिशंस का तराना गा चुके हैं और ये उनका पीएसएल के लिए 4th तराना होता अगर ये होता तो। अली जफर साहब ने जो गाए थे उसके बाद किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कोई और उनकी जिंदगी में तराना गा। अब अली जफर को चाहिए पीएसएल वालों के नाम एक पैगाम भेजें और खुद अपनी तरफ से भेजें, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी ही लोग लुटेरे, मतलब खुदा के लिए एक बंदा आपके यहाँ वाकई जो था ना एक सोल परफॉर्मर, हमेशा उसकी टांगें खींची जाती हैं हमारे यहाँ, ये हर जगह होता है, एक बंदा परफॉर्म कर रहा है उसकी टांग खींच रहे हैं। बाबर आजम के साथ क्या हुआ, ये बाबर आजम के साथ हुआ, ये अली जफर के साथ हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है हमारे यहाँ। नाज़रीन तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।